हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आई एग्जाम बी आई एम प्रतीक तलदार योर अकाउंट्स फैकल्टी एट आई एग्जाम बी इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि सेबी सर्कुलर्स को कैसे पढ़ा जाए काफ़ी स्टूडेंट्स को सेबी सर्कुलर्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इनको क्रिस्प मैनर में कैसे पढ़ा जाए बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल कि फिफ्टीन जून से आई एग्जाम बी का क्रैश कोर्स चालू होने वाला है रिलेटेड टू सेबी जनरल एग्जामिनेशन तो अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन अच्छे से चालू नहीं करी है तो यू कैन जॉइन दिस बैच एंड मेक योर प्रिपरेशन 50 परसेंट फास्टर

यू नीड टू स्टडी दिस इन समराइज्ड मैनर इसीलिए आई एग्जाम के कोर्स में आपको मंथली सर्कुलर्स की समरी मिलेगी जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यही सर्कुलर अगर आप नोट्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं तो ये काफी एक क्रिस्प मैनर में कवर हो जाता है अच्छा यहाँ पे याद रखने वाली बात यह की अभी ट्वेंटी फाइव स्क्रिप्ट अप्लाई किया गया है ऑन अ लिमिटेड बेसिस तो इनको बहुत ही डिटेल्ड मैनर में नहीं बल्कि समराइज मैनर के अंदर कवर करना चाहिए क्योंकि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट चीजें जो सर्क्यूलर में लिखी हुई होती है वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट नहीं होती है जो 20 टू 30 परसेंट है वो आपको कर कर छह अच्छा, कि महीने पहले तक आपको सर्कुलर्स पढ़ने रहते हैं अच्छा, और भी बेटर होगा अगर आप इनको एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच में पढ़ें तो विद इन फ्यू डेज आपके कोर्स के अंदर अप्रोक्सिमेटली हंड्रेड एमसीक्यू एड ऑन हो जाएंगे के अंदर। यहां पे आप एक एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच से अपने सारे के सारे सर्कुलर्स को कवर कर सकते हैं जो कि ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए रैदर देन आप बहुत ही डिटेल्ड में सर्कुलर्स को पढ़ो और अगर कोई लोग समरी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे फिर एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच सबसे बेस्ट हो जाएगी अच्छा ऐसी चीजों को कवर करने का एक और तरीका है कि आप फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली न्यूज काफी पढ़ते हो उससे काफी अपडेटेड रहते हो क्योंकि जनरली ऐसे कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर आता है तो वो फाइनेंशियल न्यूज का भी टॉपिक बन जाता है तो अगर आप इस पर फोकस करें तो आपके काफी सारे सर्कुलर की चीजें भी कवर हो जाती है प्लस समरी ऑफ सर्कुलर की तो हमने बात डेफिनेटली करी ली। यहां पे सबसे बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर सर्क्यूलर एज पर माई ओपीनियन बेस्ड अप्रोच फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये फेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फेज टू के लिए या फिर दोनों के लिए तो फेज वन के अंदर सर्कुलर का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता है यहां पे अगर आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेविलेंट हो न्यूज के अंदर अगर ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर आता है तो उससे रिलेटेड न्यूज भी काफी स्प्रेड होती है तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए फेज टू के लिए डेफिनेटली आपको इनको पढ़ना चाहिए फेज वन के लिए अगर आप इंपॉर्टेंट पोर्शन भी पढ़ के जाएंगे तो भी दैट विल बी इनफ तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिमाइंड की ये क्रैश कोर्स आपका 15 जून से चालू हो सकता है सो यू कैन ज्वाइन इन वे की अगर आपको और भी कोई डाउट है सर्कुलर की प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं Wish you all the very best for your studies.